बच्चों आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो मैथ के लिए बनाया जा रहा है और यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो या तो कोई कंपटीशन दे रहे हैं या कोई कंपटीशन देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा वीडियो है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेसिक जानकारी से एकदम छोटी छोटी चीज़ों को भी बतलाया जाएगा। और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अगर मैथ सीख रहे हैं तो मैथ सीखने में यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे जो है जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक सीधे पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाए। अब देखिए, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब सबसे पहले तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ें। तो देखिए, भिन्न है क्या, भिन्न हमारा सवाल। तो बच्चों देखिए, 2/5 और 3/5 यानी कि 2/5 और 3/5 को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हमको यह देखना है कि इसमें अंश क्या है। 2/5 में, 2/5 में अंश 2 है और हर 5 है। 3/5 में अंश 3 है और हर 5 है। नीचे का हर दोनों में बराबर है। जब नीचे का हर दोनों में बराबर रहता है तो उसे केवल एक बार लिखिए, यानी कि जो भी संख्या दिया है उसको हम एक बार लिखेंगे और ऊपर की संख्या जो दी गई है अंश, दोनों अंशों को जोड़ देंगे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 5/5, जो कि हमारे इस 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी कि आंसर आ गया 1। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल क्या है, 4/7 + 3/7 यानी कि 4/7 और 3/7 को जोड़ना है। यह भिन्नों का बहुत ही सिंपल तरीका अभी बता रहे हैं आपको, अभी आपको केवल बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, नीचे का हर क्या है, नीचे का हर दोनों बराबर है यानी कि दोनों में 7 है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 7 लिख देंगे। अब ऊपर देखिए क्या है, ऊपर अंश में इसमें 4 है और इसमें क्या है, 3। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। ये ऊपर 7 हो गया, 7 एकम 7 7 एकम 7, आंसर क्या आ गया, 1। अब ठीक उसी प्रकार से यह 3/4 है और 1/4 को जोड़ना है, तो नीचे का हर पहले चेक करेंगे, हर दोनों में बराबर है, दोनों में हर एक जैसा है, तो हम इसे केवल 4 लिखेंगे, जो भी अंक दिया है वही लिखेंगे और ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 1 4। तो यहाँ पर हो गया 4। अब 4 एकम 4 4 एकम 4, हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो ये इस प्रकार से आप कोई भी सवाल कैसे भी बना सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी किताब से ही बनाएं, आप अपने मन से कोई भी भिन्न लिख लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और भी हम लोग सवाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना कि नीचे का हर एक जैसा हो। जैसे 3/7 में आपको जो है 5/7 जोड़ना है, तो 3 में 5 नीचे का हर क्या है, नीचे का हर एक बराबर है। जब नीचे का हर एक बराबर है तो उसे केवल हम एक बार लिखेंगे और ऊपर क्या है, 3 और 5 यानी कि 3 और 5 को क्या करेंगे, 3 और 5 को जोड़ देंगे। जब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। आंसर हमारा क्या आ गया, 8/7। अब इसी तरह से आप जितने चाहें उतने प्रश्न बना लीजिए, अपने मन से कोई भी संख्या बना लीजिए, आपको कोई भी संख्या कोई बात नहीं है। चलिए हमने 2/3 ले लिया और इसमें 1/3 ले लिया, नीचे आपका नीचे की संख्या क्या है, नीचे की संख्या बराबर है। जब नीचे की संख्या बराबर है तो इसे केवल हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या 2 और 1 3 को जोड़ दिया, 3 एकम 3 3 एकम 3 हमारे पास क्या आ गया, 1।
तो ये तो भिन्नों का अभी केवल सिंपल जोड़ है जिसमें कि नीचे का हर बराबर है तब ऐसा किया जा रहा है, और जब नीचे का हर बराबर नहीं रहेगा तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका है, तो फिर वो तरीका हम आपको बताएंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग चलते हैं भिन्नों का घटाना, यानी कि भिन्नों को कैसे घटाएंगे। तो भिन्नों का घटाना भी उसी तरह से होगा जैसे हमारे पास एक 5/2 में से 3/2 घटाना है, 5/2 में से 3/2 घटाना है, कितना घटाना है 3/2, तो बीच में चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नीचे का हर बराबर है कि नहीं। देखिए नीचे का हर बराबर है, नीचे का हर बराबर है तो उसको केवल एक बार लिख देंगे, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, बीच में चिन्ह क्या है माइनस का, जब बीच में चिन्ह माइनस का है तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 से ये कट गया, कितना आ गया 1। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 3/2 माइनस 1/2, अब जरा बताइए ये 3/2 है, ये माइनस 1/2 है, तो 3/2 में से 1/2 घटाना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले यह देखेंगे कि नीचे का हर बराबर है कि नहीं। नीचे का हर बराबर है, दोनों में 2 है तो हम उसको केवल एक बार लिख देंगे, और ऊपर की संख्या क्या है 3, 3 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 एकम 2, कितना आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से हमने बच्चों देखो क्या बताया, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना। अब हम लोग बात करने चलते हैं क्या चीज, भिन्नों का गुणा। अब देखिए भिन्नों का गुणा हम लोग कैसे करेंगे, इस बात पे कोई भी भिन्न अपने तरफ से आप ले लीजिए, कोई भी भिन्न बना लो, हमने बना लिया 2/3, अब बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर बोलिए, आप कुछ भी नंबर बोलो ना, कुछ भी नंबर भिन्न बना लो। चलो हमने यहाँ पे 3/2 बना लिया, अब 3/2 बनाया, इसको हल करने का तरीका क्या है, एक तो यह कि जान लीजिए कि बीच में अगर इंटू का चिन्ह है मतलब गुणा का चिन्ह है, तो अगर कटने वाली संख्या है तो काट देंगे, और नहीं कटने वाली संख्या है तब ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे में, कहने का मतलब अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये जब नंबर कटने वाला डिवाइड हो सकता है मतलब कट सकता है, तो ये इससे काट दिया और ये इससे काट दिया, तो इसको इससे काटा तो 1 आ गया, इसको इससे काटा तो 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 हो गया। मान लो 3/5 हमने ले लिया, बीच में आप कोई ऐसी संख्या ले लीजिए, चलिए 2/7 ले लिए। अब देखो कि ये बीच में गुणा का चिन्ह है लेकिन ये इससे नहीं कटेगा और ये इससे नहीं, मतलब किसी एक संख्या से कटना चाहिए, तो देखिए ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे 3 × 2 = 6, और नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे 7 × 5 = 35, यानी 5 × 7 = 35, तो आपका आंसर बन गया 1/5। अब 1/5 में हमको 2/3 से गुणा करना है, 1/5 में कितने से गुणा करना है, 1/5 में 2/3 से गुणा करना है। जब 1/5 में 2/3 से गुणा करना है तो कटने वाली पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, इससे ये डिवाइड होगा मतलब कटेगा नहीं कटेगा, तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, और नीचे 5 का गुणा 3 में करोगे तो कितना होगा 15, तो 5 का गुणा 3 में कर दिए 15, बन गया आंसर, बहुत ईजी। चलो एक और सवाल बना लेते हैं, हमने यहाँ पे 3/7 ले लिया, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर 2/5 ले लिया, अब इसको क्या करना है, ये भिन्न का सवाल है, इसमें गुणा करना है, गुणा करने के में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गुणा का चिन्ह है ठीक है, क्या ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, क्या 2 से ये 7 कटेगा नहीं कटेगा, तब हमारे पास अंतिम विकल्प क्या बच गया, अंतिम विकल्प ये बच गया कि 3 में 2 का गुणा कर दो, मतलब कि अंश का अंश में गुणा कर दो और हर का हर में गुणा कर दो, तो अंश का अंश में गुणा किए तो 3 × 2 = 6 हो गया, और हर का हर में गुणा किए तो 7 × 5 = 35 हो गया, बन गया सवाल, गुणा सीख गए। अब करने के लिए आप कोई भी, यहां पे हम क्या लेंगे, भिन्नों का भाग, यानी कि डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, क्या बोला जाएगा, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन।
चलिए भिन्नों का भाग करने के लिए कोई भी सवाल, मैं कोई किताब का सवाल नहीं बता रहा, अपने मन से कोई भी भिन्न ले लो। चलो हमने भिन्न ले लिया 2/5, चलो ले लिए। अब डिवाइड का चिन्ह लगा दिए, लगा दिए। अब इसमें कितने से भाग देना, चलिए 3/2 से हमें या 3/5 से भाग देना है। अब 3/5 से भाग देना है, 2/5 में 3/5 से भाग देना है। तो जब 2/5 में 3/5 से भाग देना है तो हम इसको भिन्न को भाग करते समय, यानी कि भिन्नों का जब भी हम भाग करने चलेंगे तो इस भिन्न को गुणा में बदल देंगे, यानी कि 2/5 तो वैसे ही रहेगा और बीच में गुणा का चिन्ह हो जाएगा और दाहिना वाला जो राइट वाला है ना इसको उल्टा कर देंगे। ये 3/5 है तो 5/3 हो गया। भिन्नों के हर सवाल में जब भी आपको भाग का क्वेश्चन करना होगा तो ऐसे ही करेंगे। अब देखेंगे, अब ये क्वेश्चन जो भिन्नों वाला था, वो तो मल्टीप्लाई में बदल गया, यानी कि आपको ये गुणा के चिन्ह में बदल चुका है। अब हमें क्या है, क्या ये इससे कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 से 5 तो कट जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ऊपर क्या बच गया अंश में, इसमें का अंश बचा है 2 और इसमें का अंश बचा है 1, तो 2 का 1 में गुणा कर दो। कौन सी विधि से, भिन्नों के गुणन विधि से। तो अब 2 का 1 में गुणा किए 2 हो गया। अब नीचे 1 है और यहाँ क्या है 3, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3 आंसर बन गया, आंसर बन गया। यानी कि भिन्नों का भाग इसी तरह से किया जाएगा। अब हमने ले लिया 3/7, बीच में क्या चिन्ह हो गया, डिवाइड का। अब हमें 1/5 से डिवाइड करना है, चलो 1/5 से डिवाइड करते हैं, तो सवाल ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब तो आप जान ही चुके हैं, जो काम आपको इसमें किया है वही इसमें करना है। इधर जो लेफ्ट वाला है इसको आप वैसे ही उतार दीजिए और ये जो भाग का चिन्ह है इसके जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए। और 1/5 जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो 5/1 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कि क्या ये इससे कटेगा, 3 से 1 नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो अंतिम में हमें क्या करना है, ऊपर का ऊपर में गुणा कर दो और नीचे का नीचे में, मतलब अंश का अंश में गुणा कर दिया और हर का हर में, 3 × 5 = 15 और नीचे क्या हो गया, 7 एकम 7, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या आ गया, 15/7।